हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम और आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें लेसन नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड का मतलब हम सबको पता है, फायर का मतलब पता होता है, लेकिन फो का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, ये हमारा शत्रु, क्या होता है हमारा शत्रु। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें क्या होता है। अर्लियर मैन didn't know what fire was, but he must have been the damage it causes. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous. He was frightened. अब क्या था कि आज से जो पहले के टाइम के लोग थे, ठीक है बच्चों, वो आग के यहाँ यूज किस तरह से किया जाता है ना, उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो आग से है जो फायर है ना, उससे तो वो अच्छी तरह से परिचित थे। ठीक है, यानी कि उसको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसका यूज किस तरह से किया जाए ना वो नहीं जानते थे। जो हम देखते हैं कि जो लाइटिंग है, जो वोल्केनो है, ठीक है, वो भी पहले के टाइम में थे ही, तो उसे से आग लगती है तो वो उनके बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन उसका किस तरह से यूज किया जाए ना वो उसको पता नहीं था। और वो सब लोग ये भी देखते थे कि आग है वो क्या क्या डैमेज कर सकती है। आग की बात करें बच्चों, तो आग है वो एक पावरफुल है और बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ठीक है, यानी कि वो सबको डरा भी सकती है और कई सारे नुकसान भी हमें कर सकती हैं। आगे देखते हैं। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of a heat and light is released in this process. This is what we called fire. अब फायर की बात करें बच्चों, तो फायर क्या है? ये जो फायर है ना, वो पहले के टाइम के जो लोग थे ना, उसको बहुत ही ऊर्जा देती थी। ठीक है, उसको बहुत ही कंफ्यूज करते थे थी। ठीक है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है, मतलब कि फायर है वो किस तरह से लगती थी, वो कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसी की वजह से फायर है वो लगती थी। इसीलिए अर्लियर मैन को फायर किस तरह से चलती है, लगती है, ठीक है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि फायर है वो किस तरह से लगती है। ठीक है, कि जब ऑक्सीजन है उसके उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो फ्यूल होता है ना, उसके साथ जब होता है ना, तब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे थोड़ी सी अगर हीट या तो लाइटिंग मिल जाए ना, तो क्या होगा कि जो फायर की प्रोसेस है ना वो शुरू हो जाएगी, और जिसको हम फायर कहते हैं। अब देखते हैं आगे। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। Wood, coal, cooking gas and petrol are some example of a fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The third thing needed to make a fire is heat. Fuel and oxygen do not make a fire by themselves, or else newspaper or a stick lying in the open wood catch fire on its own. To burn a piece of paper or a wood, we heat it catches fire. We generally do not with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begin to burn. This temperature is called flash point or kindling temperature of a fuel. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बात की गई कि यहाँ पे बताया गया कि फायर है ना वो तीन चीज़ों की कॉम्बिनेशन से लगती है। ठीक है, पहला है उसमें फ्यूल, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हीट। ठीक है बच्चों, तो फ्यूल की बात करें जिसको हम ईंधन कहते हैं, तो ईंधन कोई भी हो सकता है, हम कोई भी चीज़ को ईंधन के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि वुड है, कॉल है, ठीक है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सारे हमारे क्या है, वो ईंधन है, ठीक है, फ्यूल है।
और दूसरी बात करें कि हम जब भी कोई भी पेपर है या पत्थर है उसको ब्रस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ जब हम उसको टकराते हैं ना, तो क्या होता है कि उससे हीट पैदा होती है, ठीक है, आग लगती है, तो क्या होगा कि वहीं से दूसरा भी हमारा जो एसेंशियल थिंग्स है वो आ गया है, ठीक है, हीट आ गई है, फ्यूल आ गया। ऑक्सीजन की बात करें तो एयर में ऑक्सीजन होता ही है, ठीक है, तो उसी की मदद से क्या होगा कि जो फायर है वो ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएंगे। हाँ, क्या बात हो रही है इसमें, ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन तीनों चीज़ों में से, मतलब कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ ना हो ना, तो क्या होगा कि आग है वो लगेगी नहीं। मतलब कि ये है हमारा फ्यूल, ये है हमारा ऑक्सीजन और ये है हमारी हीट, ठीक है। मान लीजिए फ्यूल और ऑक्सीजन तो है लेकिन वहाँ पे हीट नहीं है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर ले लीजिए तो वहाँ पे आग लगेगी नहीं। अब दूसरी बात करें, ठीक है, कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन और हीट है लेकिन वहाँ पे फ्यूल ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर भी आग लगेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आगे वो लगेगी नहीं। चलो देखते हैं कि जो भी फ्यूल होता है ना उसका फिक्स टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे वो बर्न होता है। मतलब कि जो पेट्रोल होता है ना उसको हम थोड़ी लाइटिंग से साथ जला सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा है जैसे कि वुड है, ठीक है, लकड़ियाँ हैं, तो उसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर के साथ जलाना पड़ता है। तो उसी तरह से क्या होगा कि कोई भी फ्यूल है ना उसको हमें जलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हीट चाहिए, और यही जो लेवल है ना उसी को कहते हैं फ्लैश पॉइंट और किडलिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कोई भी फ्यूल है वो कब हीट होगा उसी को कहते हैं फ्लैश पॉइंट और किडलिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, इट इज ओनली मीन्स दैट फायर इज अ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। अब क्या हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि आग है ना वो अगर हमारे नौकर की तरह काम करेगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अगर हमारा मालिक बन गया ना तो चारों ओर क्या होगा, तबाही तबाही हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर हम आग को कंट्रोल में रख के उसका यूज करेंगे ना तो हमें उसका कई सारे यूजफुल देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे। For instance, we use it to cook our food, warm our homes in a winter and to generate electricity. But on the other hand, if fire get out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast area of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. अब क्या होता है कि हम सबको बताएं कि जो आग है उसी से हमारा खाना है पकता है, ठीक है, उसी से हमारा जो घर है विंटर टाइम में क्या होगा, हीटेड होगा, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी मदद से भी फायर है उसको जनरेट कर सकते हैं। आगे बात करें तो फायर को कंट्रोल में ना रखा जाए ना तो क्या होगा कि वो डेंजरियस हमारे लिए साबित हो सकती है। हर साल कई हजारों दुकान है जो घर से ना वो तबाह हो जाते हैं क्योंकि आग लग जाने की वजह से, ठीक है, और कभी कभार तो जो बड़े बड़े जंगल्स होते हैं ना वो भी आग लगने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं और उसमें कई सारे आदमी हैं वो भी इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते बच्चों, जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर थ्री मेन ways in which a fire can be put out, and in each one of the three things needed for burning is taken away, ठीक है। तो आग लगने के जो मुख्य तीन reasons हैं, ठीक है, तीन जो चीज़ें हैं ना उसी से आग लगती है, तो हमने तीनों तीन देख लिए, ठीक है। कौन सा है, FOH, क्या है FOH, FOH मतलब कि फ्यूल है, ऑक्सीजन है और क्या है हीट है। ओके बच्चों, तीन चीज़ें हमें याद रखनी है, FOH, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। तो ये तीनों चीज़ों की मदद से कोई भी चीज़ें वो जलाई जा सकती है, बर्न हो सकती है। नेक्स्ट में देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड इट ऑन,
no burning can take a place. If you obtain a fire die out, simplify by not adding more fuel to it. अब क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया था तीनों कंडीशन ठीक है कि फ्यूल नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा और हीट नहीं होगी, तो क्या क्या होगा. अब बात करते हैं कि फ्यूल नहीं होगा मतलब कि जब ऑयल और हीट होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हीट होगा ना, ये दोनों चीज़ें होगी वन बाय वन, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होगी. लेकिन फ्यूल नहीं होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे आग है, फायर है, वो लगेगी नहीं. क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए जहाँ पे आग लगी है ना, वहाँ पे अगर आप फ्यूल को ऐड नहीं करेंगे ना, तो आग है वो अपने आप ही बुझ जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट द फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम द रीचिंग इट. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मॉथर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ शेक. दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एग्जीक्यूनस फायर. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच इट द बर्निंग मटीरियल. अब दूसरा क्या है कि पहला है कि हम अगर फ्यूल को एड ही ना करें तो फायर नहीं लगेगा. दूसरा है कि देखो पहले फ्यूल की बात करी है, ठीक है, फिर अब बात करते हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन अगर फायर तक नहीं पहुंचेगा, उसकी जो मेन सप्लाई है ना बच्चों, वहीं हम काट देंगे, वहीं पे हम रोक देंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे ना वो आग लगेगी ही नहीं. ठीक है, क्योंकि आग लगने की मेन जो चीज थिंग्स है उसमें क्या है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है और हीट है. तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रहेगी, तो क्या होगा, आप आग है जो लगी हुई है ना, वो अपने आप बुझ जाएंगी. ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या करता है, वो आग बुझाने का ही काम करता है. ठीक है, यानी कि वो भी आग को बुझाने में हमारी हेल्प करेगा. नेक्स्ट देखते हैं. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट. द टेम्परेचर कैन बी ब्राउन डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. इट इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेमिंग बर्निंग डाउन. इट्स द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट. द कैंडल गोज आउट. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर. इट एब्जॉर्व द हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर. द ब्लैंकेट ऑफ अ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एग्जीक्यूटेड. अब क्या होता है कि अब यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है कि देखो हमने वन बाय वन करके जो थ्री थिंग्स है ना उसी को रिमूव कर दिया है. पहले हमने फ्यूल को रिमूव कर दिया था, ठीक है, ताकि आग ना लगे. दूसरा हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया था. अब तीसरी बात कर रहे हैं हीट को रिमूव करने की. ठीक है, तो हीट को किस तरह से बच्चों रिमूव किया जाता है, तो हीट है ना उसको रिमूव करने का सिंपल ही फॉर्म है कि हम जहाँ पे आग लगी हुई ना वहाँ पे कुछ ऐसा करें ताकि हीट है वो अपने आप कम हो जाए, कंट्रोल में हो जाए. ठीक है, तो हीट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सिंपली उसके ऊपर जो भी ठंडी चीज़ें हैं ना वो डालनी चाहिए. जैसे कि वाटर है, वाटर हम आग के ऊपर डालेंगे, ठीक है, तो आग है वो उसका टेम्परेचर कंट्रोल में आते ही वो बुझना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई भी हवा है, ठीक है, वो उसको ठंडे करके भी हम डाल सकते हैं. जैसे कि आज के टाइम में जो फायर सेफ्टी की बॉटल आती है ना वो भी हम डालते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और क्या होगा कि जो फ्यूल है वो जलेगा ही नहीं, तो आग बुझ जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों. Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of water and continue to burn. This can be very dangerous because the water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water sounded also not be used on fire causes by electrical appliances. The personal spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide exhibitor is the best thing to fight an electrical fire. अब दूसरी बात है कि आग हम एक दूसरी तरह से भी बुझा सकते हैं कि कभी कभार क्या होगा कि आग है ना वो लग जाती है और फिर इतनी बढ़ जाती है ना कि पानी है
उससे हम बुझाना चाहे ना तो भी बुझा नहीं सकते, क्योंकि वो कंटिन्यू बर्नना हो बर्न होना शुरू कर देती है इसीलिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब शॉक की वजह से आग लगती है ना, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसकी वजह से आग लगती है, तो क्या होगा कि उस आग के टाइम हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट वे है आग बुझाने का वो यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एग्जीबिनर आता है ना, यानी कि फायर सेफ्टी की जो बोतल्स आती है ना, उसी का हम यूज़ करें ताकि आगे, ठीक है, उसको बुझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो शॉक की वजह से आग लगी है ना, इसमें तो ये आगे देखते हैं बच्चों हम। We spend millions of rupees each year in fighting fires and we spend more trying to find new ways to preventing fire from happening and getting out of a control. On the world, we have learned rather we well to control fire and put it good use in our everyday life. ठीक है, अब क्या होता है कि हम हजारों रुपए हैं, ठीक है, लाखों रुपए हैं, वो फायर से किस तरह से बचा जाए, ठीक है, फायर के सामने फाइट करने के लिए हम एक्सपेंस करते हैं और हम नए नए तरीके जो आते हैं ना फायर से फायर की सेफ्टी के लिए, वो भी हम डेवलप करते हैं ताकि हम जो अच्छी लाइफ है वो जी सके और फायर का प्रॉपरली यूज कर सके। आगे देखते हैं बच्चों। अ लॉन्ग अगो देयर वेर नो फायरमैन, व्हेन अ फायर ब्रोक आउट एवरीबॉडी बिकेम अ फायर फाइटर, पीपल फॉर्म अ ह्यूमन चेन, they steal to if required and passed bucket of a water from a well or a pond to the blaze. Now there are law about building construction which ensure that the space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observation of a fire prevention norms. Bands of fire fighting workers with a special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electrical supply, knock down the dangerous wall, spray water and other material to bring fire under control. They are also trained in fire aid so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke. अब क्या होता है कि आज के टाइम में तो हम फायर फाइटर्स को देखते हैं, लेकिन पुराने टाइम में बच्चों फायर फाइटर्स से, ठीक है, जो आग से हमें रक्षा देते हैं ना, वो अग्निशामक दल है, वो हमें पहले के टाइम में देखने को नहीं मिलता था। तो तब लोग क्या करते थे, तब लोग है ना वो ह्यूमन चेन बन जाते थे, ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाया गया कि क्या करते थे आदमी है वो एक लाइन, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते थे, ठीक है, और वन बाय वन है वो अपनी बकेट है अपनी जो पॉट्स है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे और जहाँ पर आग लगी है ना वहाँ पर वो बुझाने की कोशिश करते थे, इसी को कहते हैं ह्यूमन चेन। हाँ, पहले के टाइम में ह्यूमन चेन बन के सब लोग एक दूसरे का फायर फाइटर बन के आगे वो बुझाने की पूरी कोशिश करते थे, ठीक है। हाँ, हाल की तारीख में भी, आज की डेट में भी कहीं कभार हमें ऐसा कैसे वो देखने को मिलता है, लेकिन हम बात करें तो हमें ये सेफ्टी रखनी चाहिए कि जो बिल्डिंग्स हैं वो जो पब्लिक पार्क है, ठीक है, उससे क्या करना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग्स है उसमें प्रॉपर फायर सेफ्टी लगनी होनी चाहिए। जो पब्लिक की जो पब्लिक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी प्लेसिस है पब्लिक के लिए उसमें आग ना लगे, ठीक है, और आग लगने की कोई चीज़ें ना हो, ऐसी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें तो जो फायर फाइटर्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं कि वो स्पेशली ट्रेन होते हैं और उसके पास ना अच्छे इक्विपमेंट भी होते हैं आग को बुझाने के लिए, ठीक है, और उसी की मदद से वो क्या करते हैं, उसी की मदद से जो भी फायर है ना उसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो पहले इलेक्ट्रिक जो सिटी की सप्लाई है उसको नॉक करते हैं, ठीक है, जो बड़ी दीवारें होती है ना उसको नॉक डाउन करने के लिए वो सक्षम होते हैं, ठीक है, पानी है उसका छिड़काव करते हैं ताकि आग है वो कंट्रोल में आ जाए और वो फर्स्ट एड के लिए भी तैयार होते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट एड देना चाहिए ना, जो भी आग से सफ़र करके बाहर आया है ना उसको फर्स्ट एड भी देने की कोशिश करते हैं ताकि वो जलने और जो सांस लेने की प्रॉब्लम्स है ना वो उसको हो नहीं, इसीलिए। आगे देखते हैं बच्चों। The discovery of a fire and its use help early man to cope with nature
but and gradually adopt a settled mode of a life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is in needed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it get out of control. अब क्या है फायर की बात करें तो फायर है वो आज के टाइम में बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, और पहले भी इतना ही यूजफुल था। और बात करें हम फायर की तो फायर है ना वो उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक है, और कई देशों में उसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन जिस तरह से फायर है वो हमारा फ्रेंड है, उसी तरह से वो हमारा दुश्मन भी है क्योंकि वो डेंजरियस भी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम उसका। एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंशन चेक, तो आपको एमसीक्यू दिए गए हैं ना, तो एमसीक्यू में अच्छी तरह से दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दो क्वेश्चन में एमसीक्यू दिए गए हैं। वर्किंग विद में टेक्स्ट में क्या करना है, वर्किंग विद टेक्स्ट में आपको कनेक्ट करना है, जैसे कि फ्यूल है तो फ्यूल में क्या आएगा, ठीक है, फ्यूल कौन सा हो सकता है, तो फ्यूल है कुकिंग जो गैस होता है वो फ्यूल है, ठीक है, कॉल है वो फ्यूल है, ये सारी जो वुड है वो फ्यूल है, तो उसी तरह से आपको करना है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एयर है, ठीक है, उसी तरह से मैचिंग करना है। फिर यहाँ पे कुछ फ्लैश पॉइंट और फ्यूल के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो कौन सा चीज़ है, ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्लैश पॉइंट क्या होता है, उस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन 4th में देखते हैं, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन व्हिच अ फायर कैन बी कंट्रोल और पुट, ठीक है, तो हमें 3 थिंग्स बताना है। मैंने आपको बताया था एफ ओ एच वाला, ठीक है, फ्यूल को हटा देना चाहिए, ऑक्सीजन को हटा देना चाहिए और हीट को कम कर देना चाहिए, तो ये 3 वेज है उसके। फिर मैच द फॉलोइंग करने हैं हम यहाँ पे, वो एकदम ईजी है, आपसे ईजिली हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर तो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स दी गई, जिसकी यहाँ पे आपको ब्रैकेट दी गई, उसकी हेल्प से आपको वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर भी वापस ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों पोयम की बात करते हैं हम, मिडो सरप्राइजेस, ठीक है, चलो देखते हैं मिडो सरप्राइजेस में क्या है। तो लेसन नंबर 8 की ये पोयम है मेडो सरप्राइजेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 उसकी ये पोयम है मेडो सरप्राइजेस। उसमें पढ़ते हैं, वॉकिंग अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड अ पार्क और इवन अंडर अ क्लंप ऑफ अ ट्री एंड यू विल बी नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स, व्हाट आर सम ऑफ द सरप्राइज अ मेडो हैज फॉर समवन विथ अ नी आई एंड अ शार्प ईयर। ठीक है, पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे मिडो क्या होता है, ठीक है, और मिडो के सरप्राइजेस हम सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन मिडो का नहीं पता है, तो मिडो का मतलब होता है घास के मैदान। ठीक है, क्या होता है, घास के मैदान, तो मिडो का मतलब होता है बच्चों घास के मैदान। चलो देखते हैं पोयम में क्या है। मिडोज हैव अ सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, walk softly through the velvet grass and listen by the brooks। ठीक है, अब मिडो की बात कर रहे हैं, तो मिडो के पास कई सारे सरप्राइजेस है बच्चों। क्या है, अगर आप ढूंढना चाहते हो ना, तो आपको पहले मिडो के पास जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो वेलवेट जैसी ग्रास है ना, यानी कि जो मुलायम घास है ना, उसके ऊपर आपको स्लोली स्लोली चलना पड़ेगा। ठीक है, और आसपास का जो एनवायरमेंट है ना, एटमोसफियर है बच्चों, वो क्या करना है, उसको आपको एंजॉय करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप एंड अनफोल्ड इट ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सीप द नेक्चर अप। ठीक है, यहाँ पर बटरफ्लाई का एक पिक्चर शायद दिया गया है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर बटरफ्लाई की बात करके क्या है कि बटरफ्लाई है वो अपने बटर कप के ऊपर बैठा हुआ है। जनरली बटर कप तो नहीं होता है, वहाँ पे फ्लावर होता है। ठीक है, लेकिन बटर कप का मतलब यहाँ की जो बटरफ्लाई है ना, वो फूलों का रस जो चूसती है ना, उसी को कहते हैं बटर कप। ठीक है, तो जो बटरफ्लाई है वो अपना अपने पंखों को खोल के क्या कर रही है, फूलों का रस है वो चूस रही है, वो आपको देखना है, नेक्चर कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं।
You may scare a rabbit who is sitting very still. Through at a first you may not see him when he hopes you will. ठीक है, अब क्या है कि अगर आप एक डरे हुए रैबिट को देखते हो, ठीक है, कि जो एकदम बैठा हुआ था और फिर वो वहाँ से चला गया, पहले तो वो आपको देखेगा भी नहीं, फिर वहाँ से वो चला जाएंगे और आप उसी की उम्मीद में रहना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे एक रैबिट की भी बात की गई है, ठीक है, कि एक रैबिट है वो किस तरह से डरा हुआ है और किस तरह से वो जंप करके आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, अ डैंडेलियन हूज फूजी हैड वॉज गोल्डन डेज अगो हैज टर्न टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डैंडेलियन जो प्लांट्स होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, तो यही है वो डैंडेलियन प्लांट्स, ठीक है, जिसकी शाखाएं वो ग्रीन होती हैं और जिसके जो फ्लावर होते हैं ना वो ब्राउन कलर के होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के। तो ये कह रहा है कि जो डैंडेलियन है ना उसकी जो पंखे हैं वो क्या होने की, वो अब पैराशूट बन के उड़ रही हैं, ठीक है, और वो आगे बढ़ रही हैं और हवा की जो झोंके आते हैं ना, हवा की तेज बहाव की वजह से वो अब पैराशूट बन के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक्सप्लोरर द मिडो हाउस द बुरोज इन द ग्राउंड अ नेस्ट बेंच्ड टॉल ग्रास द एंट्स अमेजिंग माउंट। अब क्या है कि जो मिडो है ना उसी के नीचे एक घर भी है, ठीक है, कई सारे लोगों का घर भी है, जैसे कि बुरोज मतलब कि छोटे छोटे जो हॉल्स है ना उसमें एंट्स से वो रह रही हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अपना काम भी कर रही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन है, ओ मिडो हैव अ सरप्राइज एंड मैनी थिंग्स टू टेल यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। ठीक है, तो मिडो जो हमारे राइटर्स है ना लॉइस ब्रांथ फिलिप्स, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मिडो कितना मज़ेदार होता है, ठीक है, और कितना रोमांचित होता है इसको देखना, और आप भी ये सब देख के इंजॉय कर सकते हो, उसको सुन सकते हो, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। इसके साथ हमारी पोएम नंबर 8 है ना मिडो सरप्राइज, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। उसकी एक्सरसाइज में क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर और MCQs फॉर्म में दिए गए ना वो फुलफिल करना है, ठीक है, और यहाँ पे जो बिजी वर्ड है वो पोएम आपको एक बार रीड करनी है, ठीक है बच्चों। उसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 8 है ना वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।